हमने मेथड ओवरराइडिंग को तो काफी नजदीक से देखा, लेकिन क्या आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर के साथ ओवरराइडिंग थोड़ी सी डिफरेंटली काम करती है? क्या डिफरेंसेस हैं, कितना डिफरेंटली काम करती है, कैसे करनी है चीजें? चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के बारे में बात नहीं करी हरी भाई, ये क्या चल रहा है? तो यार कंस्ट्रक्टर के बारे में भी बात करेंगे। अब मान लो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कुछ इस तरह से होता, ठीक है, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ऐसे बना रहे हैं मान लो, और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद मान लो इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम्प्लॉइज कंस्ट्रक्टर इज हियर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने एम्प्लॉई के अंदर डाला है कंस्ट्रक्टर, प्रोग्रामर के अंदर नहीं डाला है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, एम्प्लॉई के अंदर डाला है कंस्ट्रक्टर, लेकिन यूज़ हम नीचे प्रोग्रामर कर रहे हैं। तो आप कहोगे क्या यार रीलोड करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने तो एक मिनट ये यहाँ पर क्यों दिखा, ठीक है। तो ये सवाल होता है बहुत सारे लोगों का, मैं जवाब देता हूँ इसका। क्या होता है कि जब आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं डालते हो प्रोग्रामर क्लास में, तब ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर जावास्क्रिप्ट इंजन के द्वारा डाल दिया जाता है। जावास्क्रिप्ट इंजन आपसे कहता है ए आलसी मानस, क्या कहता है ए आलसी मानस, तू तो कंस्ट्रक्टर बना नहीं रहा, तो क्यों ना मैं बना दूं, क्योंकि तू तो सुधरेगा नहीं, आलसी है, मैं बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर। तो वो पता है क्या करता है, वो ये कंस्ट्रक्टर बना देता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो कितना बढ़िया कंस्ट्रक्टर होता है यार ये, सॉरी जावास्क्रिप्ट इंजन कितना बढ़िया इंसान है यार, मतलब ताली बजाओ यार, सब लोग कमेंट में जावास्क्रिप्ट इंजन महान है लिख दो, जल्दी से लिख दो यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, लिख दो यार, ठीक है। एक्चुअल में ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, देख रहे हो, मतलब कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए ना वो भी पास हो जाते हैं इस तरह से, यानी कि कंस्ट्रक्टर ये आपका इस तरह से बनता है। अगर यहाँ पर 10 आर्ग्यूमेंट्स है ना, तो आप सुपर को 10 आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देता हूँ, इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन द चाइल्ड क्लास, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है चाइल्ड क्लास में, दिस इज क्रिएटेड ऑटोमैजिकली, ठीक है, चलो मैटिकली लिख देता हूँ यार, ऑटोमैजिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने कुछ नहीं डाला कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। हाउ एवर अगर आपने डाला, अच्छा मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जब हम यहाँ पर प्रोग्रामर बना रहे हैं, ठीक है, देखो प्रोग्रामर का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है यहाँ पर, जब हम यहाँ पर प्रोग्रामर बना रहे हैं, तब मैं कंस्ट्रक्टर में कुछ दे नहीं रहा हूँ। मान लो मैं नेम देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ये मैंने एम्प्लॉय में किया है, प्रोग्रामर में नहीं किया है, ठीक है, ये मैंने एम्प्लॉय में किया है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रोग्रामर हैरी कर दूँ, तो आप बताओ मुझे नीचे कमेंट में कि क्या होगा, मुझे बताओ कमेंट में क्या होगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बनेगा, तो हैरी इस कंस्ट्रक्टर को मिलेगा, फिर सुपर वाला जो कीवर्ड है वो इस कंस्ट्रक्टर को चला देगा, और ये कंस्ट्रक्टर हैरी नाम के साथ चल जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ कंस्ट्रक्टर इज़ हेयर, और यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ इसको कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट चेंज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर नेम भी एक्चुअली में यूज़ हो पाएगा, नेम भी पहुँच जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम कर दूंगा ऐसे, और कहूँगा एम्प्लॉइज़ कंस्ट्रक्टर इज हेयर। ये करने के बाद जब मैं रीलोड करूँगा, मैं प्रोग्रामर क्लास को यूज़ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर चला गया ये हैरी, एम्प्लॉइज़ कंस्ट्रक्टर इज हेयर, एम्प्लॉइज़ इज लॉग इन, एम्प्लॉइज़ रिक्वेस्टेड फॉर लीव्स, ऑटो अप्रूव्ड, वन एक्स्ट्रा इज ग्रांटेड, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आ गई, देख रहे हो आप लोग, मैंने यहाँ पर सुपर कॉल किया, और फिर इसके बाद वन एक्स्ट्रा इज ग्रांटेड, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं, मैंने प्रोग्रामर को यूज़ किया तो ये चल गया। लेकिन अगर मैं फॉर सम रीज़न चाहता हूँ कि मेरा जो कंस्ट्रक्टर है वो सुपर को कॉल ना करे, मैं इसका अपना लिखना चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर, फॉर एनी रीज़न, वैसे तो आप लोग हमेशा कोशिश करना कि सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो, ठीक है, लेकिन फॉर सम रीज़न यार अगर हम लोग चाहते ना हो तब क्या करेंगे, तब हम लोग यहीं पर लिख देंगे। मान लो मैं एम्प्लॉय की जगह प्रोग्रामर लिखना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, प्रोग्रामर्स कंस्ट्रक्टर इज हेयर, और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ दिस इज अ न्यूली रिटन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सेव कर लेता हूँ इसको, थोड़ा वेट करता हूँ यार ताकि रैपलेट भी ले ले चेंजेस।
अब यहाँ पर देखो ये एरर आ गया। अब लोग कहोगे यार ये क्या है यार, ये तो चीटिंग है। अगर आपने एक क्लास को डिराइव किया है तो आपको सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव कंस्ट्रक्टर एट न्यू प्रोग्राम, ठीक है। मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर सुपर को यूज़ करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आपको सुपर तो चलाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप देख लो, तो आपको सुपर को नेम के साथ चलाना पड़ेगा। बाकी आप कुछ और लिखना चाहते हो अगर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में कि भाई प्रोग्रामर दिस इज़ अ न्यूली रिटर्न कंस्ट्रक्टर, अगर कुछ ऐसा करना चाहते हो आप तो हाँ वो कर लो, जावास्क्रिप्ट इंजन कहता है। लेकिन कहता है भाई आपको सुपर कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा और ये सुपर कीवर्ड को यूज़ आपको दिस को यूज़ करने से पहले करना होगा। वो भी यार ये क्या है यार, मतलब कुछ भी नहीं। दिस को अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो आपको सुपर के नीचे ही करना पड़ेगा। अगर आपने मान लो यहाँ पर लिख दिया दिस डॉट नेम तो आपको फिर से एरर मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपने यहाँ पर दिस डॉट नेम लिख भी दिया ना तो यहाँ पर एरर आ गया देखो, ठीक है। तो मैं अगर ये हटा दूंगा दिस डॉट नेम यहाँ से, मैं जस्ट आपको रिलोड करके दिखाता हूँ कि रेपल सेव हो गई है, उसके बाद भी ये एरर है और ये लाइन नंबर 21 पर है जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं अगर ये हटा दूंगा यहाँ से तो मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही से चलेगा मक्खन की तरह, ठीक है। ये अभी सेव नहीं हुई थी रेपल, मैं दोबारा रिलोड करता हूँ एंड यस इट वर्क्स यार, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एम्प्लॉई का कंस्ट्रक्टर चला, फिर एक न्यूली रिटर्न कंस्ट्रक्टर यहाँ पर चला, ठीक है। और इसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ओवरराइडिंग काम करती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ओवरराइडिंग कंस्ट्रक्टर विद अ कंस्ट्रक्टर थिंग्स आर अ बिट ट्रिकी डिफरेंट, ठीक है। इतना भी ट्रिकी नहीं है, मैंने समझा दिया जो भी था। अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशन इफ अ क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास एंड हैज नो कंस्ट्रक्टर देन द फॉलोइंग एम्प्टी कंस्ट्रक्टर इज जनरेटेड। मैंने ये सब आपको लिखकर दिखा दिया, इस तरह का जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है वो जनरेट हो जाएगा अगर आपने अपना कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो। ये बात मैंने आपको यहाँ पर भी लिखकर दी है, ठीक है। और आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ गई है। कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटिंग क्लासेस मस्ट कॉल सुपर एंड डू इट बिफोर यूजिंग दिस, ठीक है। तो ये रूल होता है जो कि आपको फॉलो करना है। ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि एरर थ्रो किया जा रहा था जब हम ऐसा कर रहे थे और एरर थ्रो नहीं किया जा रहा था जब हमने इस रूल को फॉलो किया। वी कैन ऑल्सो यूज सुपर डॉट मेथड इन अ चाइल्ड मेथड टू अ क्लास पेरेंट मेथड। मतलब कि अगर आप चाइल्ड में से एक ओवररिडन मेथड को यानी कि पेरेंट के ओवररिडन मेथड को कॉल करना चाहते हो तो आप सुपर डॉट उस मेथड का नाम लिख सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर किया, कौन सा मेथड के साथ किया था हमने, रिक्वेस्ट लीव्स के साथ किया था। मैंने सुपर डॉट रिक्वेस्ट लीव्स करके उसको कॉल कर दिया था पेरेंट वाले को, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप इट वॉज नॉट टू मच टू ग्रैस्प। मैं सारा सोर्स कोड सारी रेपल्स डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा। आपके पास नोट्स भी हैं, आपके पास यहाँ पर प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट की, इसको एक्सेस करो। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क जरूर करो यार, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव जरूर करो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।